जम्मू कश्मीर में पीडीपी से भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद गठबंधन टूटा। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल एनएन वोरा को इस्तीफा सौंपा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को पार्टी नेताओं के साथ की बैठक, जिसमें गहन विचार विमर्श के बाद लिया फैसला। राज्यपाल एनएन वोरा को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा का पत्र सौंपने के बाद महबूबा मुफ्ती ने दिया बयान, कहा कि कश्मीर में शांति के लिए जनता के साथ साथ पाकिस्तान से भी होनी चाहिए बातचीत। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि जनता के जनादेश को ध्यान में रखकर जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार चलाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है। भाजपा का पीडीपी सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद बोली कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस पीडीपी को समर्थन कभी नहीं देगी, जो भी हुआ अच्छा हुआ, इससे राज्य के लोगों को राहत की सांस आएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धरना 9 दिन के बाद आज हुआ खत्म। आईएएस अधिकारियों की हड़ताल के खिलाफ राजनिवास पर 3 मंत्रियों के साथ धरने पर थे मुख्यमंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय को राष्ट्र को समर्पित किया। ये 1,70,00,000 पुस्तकों और रिकॉर्डिंग का एक ऑनलाइन पुस्तकालय है, जो पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। फ्रांस पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, उच्च स्तरीय बैठक में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के राजनीतिक सलाहकार फिलिपे इटने से की मुलाकात। भारत फ्रांस के द्विपक्षीय, प्रादेशिक एवं वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग को लेकर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को नया अमेरिकी अंतरिक्ष बल तैयार करने का आदेश दिया है, जो कि सेना की 6th शाखा होगी। ट्रंप ने कहा, मैंने रक्षा विभाग और पेंटागन को सैन्य बलों की 6th शाखा के तौर पर अंतरिक्ष बल तैयार करने की आवश्यक प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है। हमारे पास वायुसेना है, लेकिन हम अलग अंतरिक्ष बल का गठन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।